हेलो एवरीवन, आज हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड का एसे पढ़ेंगे. सो लेट स्टार्ट. अमोनियम हाइड्रोक्साइड. अमोनियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड टाइटल हमेशा कैपिटल लेटर्स में आता है. अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज NH4OH. मॉलिक्यूलर वेट इज 35 इज मॉलिक्यूलर वेट. है तो ये ऐसे वैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, पर बस हम कह सकते हैं कि नाम के लिए दिया हुआ है अमोनियम हाइड्रोक्साइड. ऐसे हर चीज़ जो है ना, हम अमोनियम गैस के बारे में पढ़ेंगे. सो इसकी प्रिपरेशन अब पढ़ते हैं कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड को कैसे बनाते हैं. एक प्रिपरेशन दी गई है कि जब अमोनिया गैस को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें मिल जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड. अमोनियम हाइड्रोक्साइड तब हमें मिल जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड. NH3 एक एच जुड़ गया NH4, और यहाँ पर एक एच बचा तो OH. NH4OH हमारा बन गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड. अब सारी की सारी जितनी भी प्रिपरेशन पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे कि अमोनिया की प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, कि अमोनिया कैसे बना हमारा. प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया गैस, अमोनिया गैस. सो सबसे पहले प्रिपरेशन पढ़ते हैं हम. अमोनियम क्लोराइड को जब हम अमोनियम क्लोराइड को रिएक्ट कराएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तब हमें अमोनिया मिलेगा. तब हमें यहाँ से अमोनिया NH3 मिलेगा. यहाँ पर एक H रह जाएगा. सो पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर NH4NH3 अमोनिया मिलेगा. आँख बंद करके सबसे पहले अमोनिया लिख दीजिए. प्लस में यहाँ पर एक H बना बचा, और यहाँ से OH, ये H और ये OH मिलकर वाटर बना लेगा H2O. प्लस में अब क्या बचा, कैल्शियम बचा, क्लोराइड बचा, तो कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा CaCl2. यहाँ पर 2 लगा दीजिए, बैलेंस इक्वेशन बन जाएगी. सो नेक्स्ट प्रोसेस, इसमें हमने देखा कि अमोनिया गैस बन गया, अमोनिया गैस इवॉल्व. सेकेंड रिएक्शन हम देखते हैं हेबर्स प्रोसेस. इस रिएक्शन का नाम है हेबर्स प्रोसेस. इस रिएक्शन के अंदर क्या करते हैं, जब हम नाइट्रोजन गैस को हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड मॉलिब्डेनम एज कैटलिस्ट. कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है. कौन से कैटलिस्ट है, आयरन और मॉलिब्डेनम. आयरन और मॉलिब्डेनम, एंड इसका टेम्परेचर भी हाई होता है, 400 to 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी रहेगा. एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हमारा रहता है 200 से 900 ATM के बीच में. इतने हाई टेम्परेचर, इतने हाई प्रेशर के ऊपर ये रिएक्शन होती है. नाउ प्रोडक्ट की बात करते हैं. जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा NH3, क्योंकि हम अमोनिया की प्रिपरेशन करें. आँख बंद करके अमोनिया लिख दीजिए, अमोनिया NH3, तो N2H2. तो हमें किसकी ज़रूरत है, N, एक N, और यहाँ पर 3 लगा दीजिए, और यहाँ 2 लगा दीजिए. पूरी बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन गई. नाउ थर्ड पढ़ते हैं. इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके लिखिए. नाउ थर्ड पढ़ते हैं. सेकंड, थर्ड आप पढ़ते हैं कैल्शियम कार्बाइड. जब कैल्शियम कार्बाइड हम लेंगे कैल्शियम कार्बाइड से प्रिपेयर करेंगे. कैल्शियम कार्बाइड के अंदर जब हम नाइट्रोजन गैस को पास करेंगे तब हमें मिलेगा कैल्शियम साइनामाइड CaCN2, और इसको हम लिख सकते हैं Ca.N.Cn, ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसका नाम है कैल्शियम साइनामाइड. ये कैल्शियम साइनामाइड फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ होता है खेतों में, फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ होता है. और ये दिखने में काले काले दाने होते हैं ऐसे.
सर्च मारिएगा गूगल पे, आपको मिल जाएंगे। ऐसे काले काले दाने होते हैं कैल्शियम साइनामाइड के, प्लस में हमें कार्बन भी मिलेगा। क्यों कार्बन मिला आप रिएक्शन देखते हैं। CaCa, CC, N2, N2। एक हमें कार्बन बचा यहाँ पर, एक कार्बन बचा, एक कार्बन हमने यहाँ पर लिख दिया। सो ये रिएक्शन हुई। अब हमें यहाँ पर कोई अमोनिया दिख नहीं रहा। अब सेकेंड रिएक्शन आती है इसी के अंदर, सेकेंड पार्ट, बी पार्ट, जब हम कैल्शियम साइनामाइड को CaCN2 को वाटर के अंदर मिक्स कर देंगे, तब हमें मिलेगा अमोनिया NH3 प्लस में, NH3 प्लस में मिलेगा हमें CaNH3। यहाँ से एक N गया, N यहाँ से H3 2 लगा दिया हमने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर हमें मिलेगा। नाउ फोर्थ रिएक्शन हम पढ़ते हैं। फोर्थ रिएक्शन ऑफ अमोनिया इज सरपैक प्रोसेस। सरपैक प्रोसेस के अंदर हम बॉक्साइट का यूज़ करते हैं, Al2O3 बॉक्साइट। बॉक्साइट इज़ दी ओर ऑफ एलुमिनियम, वन ऑफ दी ओर ऑफ एलुमिनियम। जब Al2O3 बॉक्साइट को नाइट्रोजन के साथ प्लस और कोक के साथ, कोक का और बॉक्साइट का जब रिएक्शन कराते हैं, तब हमें मिलता है एलुमिनियम नाइट्राइड। तब हमें मिलता है एलुमिनियम नाइट्राइड। नाउ एलुमिनियम नाइट्राइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, वाटर के अंदर मिलाते हैं, तब हमें मिलता है एलुमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस में NH3, प्लस में NH3 गैस इवॉल्व होती है गैस। एंड यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट आएगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट आएगा। नाउ ये हमारी हुई फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बॉक्साइड को, जब हम नाइट्रोजन और कार्बन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें, एंड साथ में यहाँ पर एल्यूमिनियम नाइट्राइड के साथ में हमें CO कैल्शियम कार्बन ऑक्साइड गैस भी मिलती है, कार्बन ऑक्साइड गैस भी मिलती है। सो ये हुई रिएक्शन। थर्ड पॉइंट, अमोनिया गैस जो है, NH3 गैस, अमोनिया गैस इज़ लाइटर देन एयर। एयर से हल्की गैस है। स्पेसिफिक ग्रेविटी अब जान लेते हैं, इज़ 0.598। और हमने पढ़ा था HCl के मोनोग्राफ के अंदर कि जो अमोनियम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो होती है वो उसका जो वेट होता है वो हैवियर होती है देन एयर से। सो उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने पढ़ी थी 1.18 और इसमें है 0.598 स्पेसिफिक ग्रेविटी। सो इसका मतलब ये हल्की है, हाइड्रोजन क्लोराइड से भी, साथ ही साथ एयर से भी हल्की है, लाइटर है। फोर्थ पॉइंट, अमोनिया गैस जो है वो सॉल्यूबल है वाटर के अंदर, ईजिली सॉल्यूबल है, सॉल्यूबल इन वाटर। इतनी ज़्यादा ईजिली सॉल्यूबल है ना कि अगर एक वॉल्यूम हम वाटर लेंगे, अगर एक पार्ट वाटर का लेंगे तो उसके अंदर 1300 पार्ट या वॉल्यूम या पार्ट या वॉल्यूम अमोनिया के डिसॉल्व हो जाएंगे, इतनी ज़्यादा सॉल्यूबल है। सॉल्यूबल हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब लिक्विफाई हो जाएगी। लिक्विफाई मतलब वाटर के अंदर चेंज हो जाएगी, वाटर हो जाएगा, उसका जो स्टेट होगा स्टेट वाटर हो जाएगा। पहले तो था गैस, अब वाटर स्टेट हो गया। इस सॉल्यूबल इन वाटर से पता चलता है कि वो ईजिली लिक्विफाई हो जाती है। और जब NH3 का हम एक्वस अमोनिया लेते हैं तो वो एक वेरी गुड, एक गुड सॉल्वेंट की तरह भी मानी जाती है, साथ में आयोनाइजिंग मीडियम भी प्रोवाइड करती है। सो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हुई फिजिकल प्रॉपर्टीज़। एंड अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ करेंगे। सो अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे आती है। इतनी सारी 10 केमिकल प्रॉपर्टीज़ गिवन है, आप कोई भी याद कर सकते हैं। सो सबसे पहले बताया है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH जब फेरिक क्लोराइड FeCl3 के साथ रिएक्ट करेगा तब हमें ब्राउन पीपीटी मिलेगी, जो कि है आयरन फेरिक ऑक्साइड की। देन उसके बाद हमें अमोनियम क्लोराइड मिलेगा NH4Cl,
सेकेंड है, जब हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जिंक सल्फेट के साथ रिएक्ट करेंगे तब हमें वाइट पीपीटी मिलेगी, किसकी, जिंक हाइड्रोक्साइड की, प्लस में NH4 पोल्टोइज 2 SO4 मिलेगा जो कि है अमोनियम सल्फेट। नाउ थर्ड वन इज NH4Cl, जब अमोनियम क्लोराइड NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तब हमें अमोनिया गैस मिलेगी NaClH2O। यहाँ इसको हम प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया के अंदर भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर अमोनिया गैस मिल रही है। फोर्थ है, जब अमोनिया HgCl2 मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तब हमें अमोनिएटेड मर्करी HgNH2 होल ट्वाइस Cl अमोनिएटेड मर्करी मिलेगी जो कि ऑइंटमेंट के अंदर यूज होती है, साथ में HCl मिलेगा। इसको लिख सकने का तरीका HgHg, यहाँ पर NH2 एक H हमारा बचा, Cl यहाँ पर Cl एक बचा हमारा, ये दोनों मिलकर HCl बना देंगे। सो आप ये वाली रिएक्शन को तो ज़रूरी लिखिए, इस वाली रिएक्शन को लिखिए, इस वाली रिएक्शन को, तीनों को ज़रूर लिखिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। इसको आप प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया में लिख सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, जब अमोनिया ऑक्सीजन के साथ एटमॉस्फेयर में अगर अमोनिया रिएक्ट करेगा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ तो ये हमें नाइट्रोजन गैस देगा, साथ में वाटर मिलेंगे। सिक्स पॉइंट, जब अमोनिया को HCl के साथ रिएक्ट करते हैं, अमोनिया एक वीक बेस है, जब उसे HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तब हमें अमोनियम क्लोराइड मिलता है, ये हम प्रिपरेशन में लिख सकते हैं, किसके प्रिपरेशन में, अमोनियम क्लोराइड हमें मिलेगा। ये एक वीक बेस है, NH3 इज अ वीक बेस, इसीलिए बेस है तो ये क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करेगा, ब्लू में कन्वर्ट करेगा और फिनोफ्थलीन में ये कलर देगा पिंक। नाउ सेवेंथ पॉइंट, फिनोफ्थलीन में कलर देगा पिंक क्योंकि ये बेस है और फिनोफ्थलीन बेस में कौन सा कलर देता है, पिंक कलर देता है जो कि मैंने पहले बताया है। सेवेंथ पॉइंट है, जब NH3 अमोनिया को रेड हीट करेंगे N2+ में 3H2 देगा जो कि हेबर्स प्रोसेस है, इसका हेबर्स प्रोसेस में हमने इन दोनों को रिएक्टेंट में लिखा था और ये हमें NH3 मिला था पर इसके अंदर अपोजिट कर रखा है तो ये हेबर्स प्रोसेस ही है। इसको स्किप करना चाहते हो तो कर दीजिए क्योंकि हमने पहले ही अमोनिया गैस के अंदर लिखा है। नाउ एट्थ है, जब क्यूपरस ऑक्साइड के साथ अमोनिया गैस रिएक्ट करेगी तब हमें ये कॉपर देगा प्लस में N2 मिलेगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है NH3 का। नाइन्थ है, जब अमोनिया क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगी तब ये हमें नाइट्रोजन गैस देगा प्लस में NH4Cl अमोनियम क्लोराइड मिलेगा। नाउ टेंथ पॉइंट, जब अमोनिया जो है वो सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तब हमें सोडा अमाइड मिलेगा प्लस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी NaNH2 सोडा अमाइड। सो ये 10 रिएक्शन है। सो बात करते हैं स्ट्रॉन्ग अमोनिया सॉल्यूशन की। स्ट्रॉन्ग अमोनिया सॉल्यूशन, हमने अमोनिया गैस के बारे में पढ़ लिया था, अब हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, अमोनिया के सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। है तो ये ऐसे वैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, पर कहीं यूज़ नहीं है इसका, इसीलिए मैंने शुरू में बोला कि ये नाम के लिए है बस। चलिए स्ट्रॉन्ग अमोनिया सॉल्यूशन की सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सेम प्रॉपर्टीज़ है, बस इसके अंदर कुछ एडिशन है जैसे कि लिमिट टेस्ट का एडिशन है। उससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है उसका pH होता है 10.6, उसका pH होता है 10.6, यानी कि एक बेसिक है, हाइड्रोक्साइड है, OH ग्रुप है, बेस है, तो इसका pH है 7 से ज़्यादा, मतलब एल्कलाइन 10.6। नाउ आ जाते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे, ये क्लियर सॉल्यूशन है, कलरलेस सॉल्यूशन, क्लियर सॉल्यूशन। इसकी जो स्मेल है वेरी पंजेंट, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है, इसकी स्मेल वेरी कैरेक्टरिस्टिक। लिमिट टेस्ट देख लेते हैं, लिमिट्स, लोअर लिमिट इज एंड अपर लिमिट, लोअर लिमिट है 27% एंड अपर लिमिट है 30%, यानी कि 27% से कम अमोनिया नहीं होना चाहिए और अपर 30% से ज़्यादा अमोनिया नहीं होना चाहिए। बट अगर हम बात करें कॉन्सेंट्रेटेड अमोनिया सॉल्यूशन की तो इसके अंदर मैक्सिमम 35% हमारा अमोनिया प्रेजेंट हो सकता है क्योंकि इसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड है ना, तो वाटर जो है वो कम है, इसीलिए NH3 जो अमोनिया की मात्रा है वो ज़्यादा है, 35% है। नाउ इसके कारण जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बढ़ जाएगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगी 0.88 के करीब, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बढ़ जाएगी
क्योंकि अमोनिया की क्वांटिटी बढ़ गई है, अमोनिया का अमाउंट बढ़ गया है इसी लिए. सो ये हुआ स्ट्रॉन्ग अमोनिया सॉल्यूशन की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़. नाउ हम बात करते हैं टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन की. टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन के अंदर ये बताता है कि स्ट्रॉन्ग अमोनिया सॉल्यूशन जो है, स्ट्रॉन्ग अमोनिया सॉल्यूशन जो है वो एल्कलाइन का एल्कलाइन ही रहेगा. एल्कलाइन है इन नेचर में, ये इसकी एक आइडेंटिफाई कर सकते हैं. चाहे कितना भी इसे डाइल्यूट कर लो, ये एल्कलाइन का एल्कलाइन रहेगा. सेकंड पॉइंट ये है, जब HCl है, एक कंटेनर में HCl है, जब हम इसके सामने वो, जब इसके सामने हम NH4OH सोडियम हाइड्रोक्साइड से डिप कोई रॉड लेके आएंगे, तो यहाँ पर वाइट फ्यूम्स बनेंगे. या अगर हम यहाँ पर NH अमोनिया के कुछ वेपर्स ले आएंगे, तो भी जो इसके अंदर से गैस निकलेगी, जो इसके अंदर से कलरलेस गैस निकल रही है HCl की, तो ये वाइट फ्यूम में चेंज कर देगा उस कलरलेस वेपर्स को, वाइट फ्यूम्स मिलेंगे. सो ये हुआ टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन. अब टेस्ट फॉर प्योरिटी देख लेते हैं. टेस्ट फॉर प्योरिटी, प्योरिटी मैंने बताया था आर्सेनिक लिख दीजिए और हैवी मेटल लिख दीजिए, हैवी मेटल लेड लिख दीजिए, ये सब प्रॉपर्टीज़ हो गई टेस्ट फॉर प्योरिटी के अंदर. नाउ इसके यूजेस देख लेते हैं. यूजेस स्ट्रॉन्ग अमोनिया सॉल्यूशन जो है वो अमोनिया स्पिरिट बनाने में यूज़ होता है, अमोनिया स्पिरिट. सेकंड पॉइंट, अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन बनाने में यूज़ होता है, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन. थर्ड पॉइंट, ये रूबीफेशिएंट की तरह काम होता है. रूबीफेशिएंट क्या होता है, ये क्या करता है कि स्किन को रेडनिंग कर देता है, रेड कर देता है स्किन को, साथ में इरिटेटिंग भी होता है, इरिटेटिंग. बट उसके बावजूद भी रूबीफेशिएंट क्रीम्स, अगर जब हम रूबीफेशिएंट क्रीम्स होती है, इसके अंदर रूबीफेशिएंट क्रीम्स के अंदर स्ट्रॉन्ग अमोनिया सॉल्यूशन का यूज़ होता है एज एन इंग्रेडिएंट. सो इसकी ये प्रॉपर्टी होगी कि रूबीफेशिएंट ये क्या करता है, पेन को लोअर करता है, पेन को कम करता है. अगर कहीं पेन हो रहा है तो उसको कम करेगा. सो ये इसके कुछ एडवांटेज भी है, साथ में इसके डिसएडवांटेज भी है. स्किन को रेड करता है, रेडनिंग ऑफ स्किन, इरिटेटिंग होता है टू स्किन्स, ये सारे यूजेस हुए. नाउ अब ऐसे करते हैं, ऐसे उससे पहले एक और पॉइंट नोट डाउन कर लो कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड 10.6 को हमने पीएच देख लिया था. नाउ सेकंड पॉइंट ये है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड एनालिटिकल रिएजेंट की तरह भी यूज होता है. एनालिटिकल रिएजेंट दो टाइप के रिएजेंट्स होते हैं, एक तो लेबोरेटरी में यूज होने वाले रिएजेंट्स और एक होते हैं एनालिटिकल रिएजेंट जो हायर लेवल पे यूज होते हैं. तो लेबोरेटरी वाले रिएजेंट से एनालिटिकल रिएजेंट के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है. सो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एनालिटिकल रिएजेंट की तरह भी काम आता है, ये भी नोट डाउन कर लीजिए. नाउ अब एसए की बारी है. एसए भी हम अमोनिया का करेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जैसे मैंने बताया नाम ही के लिए. एक हमने रिएक्शन देखी थी पहले कि हम जब अमोनिया को HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें मिलता है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड मिलता है, अमोनियम क्लोराइड. इसी अमोनियम क्लोराइड को हम लेंगे क्वानिकल फ्लास्क के अंदर और NH3 अमोनिया का ऐसे कंप्लीट कराएंगे. नाउ इस रिएक्शन के अंदर यही वाली रिएक्शन प्रोसीड होगी, पर जब हम अमोनिया लेंगे वो 2 ग्राम लेंगे, HCl जो लेंगे वो हम 50 ml HCl लेंगे. सो एक क्वानिकल फ्लास्क लीजिए, इसके अंदर हमने 2 ग्राम NH3 अमोनिया ले लिया, 50 ml मेजरिंग सिलेंडर से आपने एक्यूरेट मेजर करके 50 ml HCl ले लिया. अब बना हमारा टोटल NH4Cl अमोनियम क्लोराइड हमारा मिल गया 52 ml. नाउ अब हम क्या करेंगे, एक ब्योरेट लेंगे, उस ब्योरेट के अंदर हम 1 NH Cl डालेंगे. यहाँ पर ये ब्योरेट स्टैंड है जिसने ब्योरेट को पकड़ रखा है, ऐसी ये रफ एकदम डायग्राम है, ऐसा कुछ नहीं होता दिखने में, आप लेबोरेटरी के अंदर देखेंगे.
सो ये है क्लैम्प स्टैंड भी बोलते हैं इसे, क्लैम्प स्टैंड या ब्योरेट स्टैंड। ये ब्योरेट है, ये कॉनिकल फ्लास्क है। इस ब्योरेट के अंदर हमने 1NHCl डाल दिया। यहाँ पर हमने लिया है अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड तो एक बेस है, तो रिएक्शन हमें एक एसिड से कराना पड़ेगा, इसीलिए हमने HCl लिया। पर जो बाकी के दो ऐसे हमने पहले पढ़े थे, बोरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके अंदर हमने दोनों के दोनों, बोरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हमें लाइट की तरह यूज हो रहा है, इसका मतलब कॉनिकल फ्लास्क में है। साथ में ये एसिड था, इसीलिए हमने ऊपर में बेस लिया। बट इस कंडीशन में जो है उल्टा होता है अमोनिया का, जब हम ऐसे करते हैं, क्योंकि नीचे में हम बेस लेते हैं, ऊपर में हमें एसिड लेना ही पड़ेगा। नाउ क्या होगा, अब HCl को हम यहाँ पर जो नॉब लगा होगा उसको खोलेंगे और ड्रॉप बाय ड्रॉप HCl को नीचे टपवाएंगे, किसके अंदर, कॉनिकल फ्लास्क के अंदर। जब HCl जो है और इसके अंदर जो हम मिथाइल रेड इंडिकेटर यूज करते हैं, इंडिकेटर, सबसे पहले क्या होगा कि HCl जो है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा। जब अमोनियम क्लोराइड खत्म हो जाएगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा इसका, तब फिर HCl जो है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो मिथाइल रेड इंडिकेटर के साथ रिएक्ट करेगा और रेड कलर देगा। फिर से समझते हैं, सबसे पहले NH4Cl अमोनियम क्लोराइड के साथ HCl रिएक्ट करेगा। जब अमोनियम क्लोराइड खत्म हो जाएगा तो इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर मिथाइल रेड इंडिकेटर बचेगा। देन HCl जो है इसी मिथाइल इंडिकेटर के साथ, मिथाइल रेड इंडिकेटर के साथ रिएक्ट करेगा और रेड कलर देगा। रेड कलर जो हुआ हमारा एंड पॉइंट हुआ। यही बताएगा कि आपकी टाइट्रेशन जो है पूरी हो चुकी है, एंड पॉइंट होगा। अब इसमें रेड कलर क्यों आया, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि जो मिथाइल रेड है वो बेस के अंदर तो कलरलेस होगा, बेस के अंदर, बट एसिड के अंदर वो रेड हो जाएगा। तो यहाँ पर जब इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड के अंदर जब इनिशियली शुरू में मिथाइल रेड डालेंगे तब ये कलरलेस सॉल्यूशन हुआ, पर जैसे एसिड ऐड होता जाएगा और NH4Cl खत्म होगा, तब ये मिथाइल रेड जो है एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और ये एक रेड कलर दे देगा। सो ये हमारी हुई कंप्लीट, ऐसे कंप्लीट टाइट्रेशन हुई हमारी अमोनिया की। नाउ इक्विवेलेंट वेट आता है, हमें एंड पॉइंट में मिल गया। उसके अंदर इक्विवेलेंट वेट के अंदर हम देते हैं 1NHCl इज इक्विवेलेंट टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NH3, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमोनिया। सो जो मॉलिक्यूलर वेट होता है अमोनिया का वो होता है 71.03 अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट होता है। पर जब हम टाइट्रेशन करते हैं तब क्या करेंगे, 71.03 को 1000 से डिवाइड करेंगे अगर 1N है तो, पर 0.11 होगा तो 10,000 से करेंगे, पर अभी 1N है तो 1000 से करेंगे। सो ये जो है 1, 2, 3 ये जो पॉइंट है वो 3 आगे आ जाएगा, तो 0.071103 हमारा मिला। 1NHCl इज इक्विवेलेंट टू 0.071103 ऑफ NH3। सो ये हमारी कंप्लीट जो है ऐसे हुई। इसी ऐसे को देखिए, बुक के अंदर आप पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, उसके अंदर NH4 का भी यूज किया है, पता नहीं क्या क्या सब डाल। इक्विवेलेंट वेट के अंदर 1 नॉर्मल HCl इज इक्वल टू 0.07103 होगा, वो 1 एक्स्ट्रा लग रहा था, इसको आप करेक्ट कर लीजिए।